मेरे घर वालों ने मुझसे मोबाइल छीन लिया है, और जो आप मेरी आंखों पर ये चश्मा देख रहे हैं ये मुझे कुछ ही दिन पहले लगा है, और घर वालों का ये मानना है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और अभी हमने और मैं हूँ अपने घर की छत पर, और इस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रहा था, सोचा एक ब्लॉग शूट कर लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ पर बैठकर वीडियो एडिट करते हैं। तो मेरे साथ मेरा दोस्त गीतांश, गीतांश फैक्ट उसका चैनल है, और वो भी वीडियो एडिट कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारी छत में एक कमरा है और उसमें खिड़की नहीं लगी है, तो यहाँ पर गीतांश बैठा है और वीडियो को एडिट कर रहा है। जब मैं अपने घर के पीछे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर के पीछे से एकदम हरियाली है और बहुत अच्छा लगता है। और अभी काफ़ी टाइम से, एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और लगातार यहाँ पर पानी गिर रहा है, और आज बारिश बंद है, और आप देख सकते हैं अभी भी मौसम यहाँ पर बना हुआ है। इस टावर में पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, यहाँ शायद आपको दिख रहे होंगे। तो अभी अभी यहाँ पर रविंद्र भी आया है, और रविंद्र के चैनल पर 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और इनके चैनल का नाम है फैक्ट आरएक्स। हालांकि इन्होंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई हैं, और क्यों नहीं बना पा रहे हैं ये आप इनसे ही सुन लीजिए। मेरे यूट्यूब पर वीडियोस ना बनाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे घर वालों ने मुझसे मोबाइल छीन लिया है, और जो आप मेरी आँखों पर ये चश्मा देख रहे हैं ये मुझे कुछ ही दिन पहले लगा है, और घर वालों का ये मानना है कि ये ज़्यादा मोबाइल देखने और यूट्यूब पर वीडियोज़ एडिट और बनाने के कारण लगा है, और इसी वजह से उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया है, और अब वो मुझे मेरा फ़ोन नहीं वापस कर रहे हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये थी रविंद्र की वीडियोस ना बनाने की वजह, क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता है कि रविंद्र ज़्यादा फ़ोन चलाता है, इस कारण से उसकी आँख खराब हो गई है, और उसे इसी कारण से चश्मा लगा है। दोस्तों, उनका मानना भी सही है, यदि आप ऑल टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो आपसे फ़ोन ज़रूर ले लिया जाएगा। लेकिन रविंद्र ऐसा लड़का नहीं है, वो काफ़ी समझदार लड़का है, वो पढ़ाई लिखाई भी करता है, लेकिन फिर भी उसके घर वालों को उसकी आँखों की चिंता है।